चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी जो एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है। तो हमने अब टॉपिक वाइज स्टार्ट कर लिया ना, आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोइल साइंस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेंगे जो सोइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दो तीन दिन तक हम सोइल साइंस ही चलने देंगे, ठीक है ना, जिससे कि अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। दो तीन दिन तक ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन करें। सबसे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, सभी स्टूडेंट सेशन को एक बार शेयर कर दें जिससे सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। चलिए, तो आप अगर है ना आर यू एस डी यू इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है ना, इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है, जिसके अंदर आपको 75 से ज़्यादा लगभग 100 टेस्ट अभी अपलोड है। अभी और ज़्यादा टेस्ट अपलोड होंगे, 75 से ज़्यादा मतलब अभी 100 तो अपलोड हैं पहले से। तो आपको टॉपिक वाइज फुल लेंथ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी, और आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स भी ले सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनके लिए अभी बैच स्टार्ट हुआ है, उनके जो वैकेंसी जाएंगी तो एडमिशन ले सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के बच्चे, अगर कोई बच्चा अभी भी रह गया भाई रिकॉर्डेड बैच लेना है तो ये रिकॉर्डेड बैच ले सकता है ओनली 999 में, जिसमें संकल्प बैच जो हमारा 2000 वाला है वही रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा 999 में। चलिए तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल है, चलिए स्टार्ट करें। तो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। तो स्टार्ट करेंगे हम, बताएं। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल है, बताइए आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरोन। ठीक है, सोइल के अंदर जो भाई बोरोन का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है बताइए आप। सोइल के अंदर बोरोन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है कमेंट सेक्शन बताएं। विच वन ऑफ द है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा में बोरोन का मुख्य स्रोत है बताइए। मृदा के अंदर बोरोन का एक मुख्य स्रोत कौन सा है कमेंट सेक्शन बताएं जल्दी। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें यार। आ गए सभी लोग, तो बताएं क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई है ना किसका सोर्स बताना है आपको। आपको ये बताना है कि भाई ये बोरोन का क्या सोर्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरोन। क्वेश्चन इजी है तो आप जल्दी जुड़ जाएं और बताएं सभी लोग क्या आंसर आएगा बताइए। तो बोरोन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, देखो भाई बोरोन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, ध्यान से सुनना क्या, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आपसे पूछा कि बोरोन का सोर्स क्या है तो टर्मलिन, ठीक है ना, बोरोन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है ये टर्मलिन जो होता है किसका है, बोरोन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, पायरोलोसाइड जो होता है किसका होता है, ये MN मैग्नीज का होता है। पायरोलोसाइड किसका है, मैग्नीज का है। ठीक है, ये हेमाटाइट होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन याद रखना, ऑक्साइड ऑफ आयरन जो कि है ना ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है याद रखना, आयरन का ऑक्साइड होता है और सोइल में रेड कलर के लिए जिम्मेदार होता है ना। ये जो हेमाटाइट है याद रखना, मिट्टी में लाल रंग के लिए जिम्मेदार है ना। सोइल के अंदर जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर ऑफ सोइल उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर ऑफ सोइल के लिए, मिट्टी में लाल रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है कौन, तो ये हेमेटाइट जो होता है मिट्टी में लाल रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्लियर है, तो याद रखना आपको ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तीन इंपॉर्टेंट। देखो एग्जाम में एक दो और पूछते हैं जैसे एपेटाइट, एग्जाम में एक दो इंपॉर्टेंट पूछते हैं, एपेटाइट किसका एक सोर्स है, फॉस्फोरस का है। एक ओलिवाइन पूछते हैं ना, ओलिवाइन किसका है, तो ओलिवाइन देखो बहुत है ना, एपेटाइट देखो है ना फॉस्फोरस का और क्लोरीन दोनों का होता है। ओलिवाइन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट MO का होता है, जिंक का होता है ना, तो इसमें MO ज़्यादा पूछा जाता है। ओलिवाइन जो होता है
ठीक है, ओलिवाइन जो मिनरल्स होता है, ठीक है, ये मोलिब्डेनम का होता है, जिंक का है, अलग अलग जो है ना, तो आपको याद रखना है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, मोलिब्डेनम का, ओलिवाइन जो है किसका होता है, मोलिब्डेनम का, क्लियर। जैसे पोटेशियम का हमारा क्या होता है, ठीक है, फेल्सपार होता है ना, पोटेशियम का जो फेल्सपार होता है, फेल्सपार, ठीक है ना, ये जो होता है पोटेशियम का सोर्स है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम का सोर्स क्या होता है, डोलोमाइट। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, डोलोमाइट जो होता है किसका, एमजी का सोर्स होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर, तो एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहें। सेशन को एक बार शेयर कर देना, क्लियर यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ये, अपन ने बहुत सारी चीज़ें और पढ़ ली जो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखो अगला प्रश्न है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मुख्य है ना कौन सा होता है, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स, ठीक है ना, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बताएं। अर्थ क्रस्ट के अंदर, भू प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, ठीक है ना, बताओ भू प्रॉपर्टी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आंसर आएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें, है ना, लाइक एंड शेयर करते रहें बस। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल, क्या होता है, क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं, ठीक है, क्वार्ट्ज जो होता है, सॉरी क्वार्ट्ज कितना होता है, ये तो अपना होता है 36%, फेल्सपार कितना होता है 48%, अरे भाई फेल्सपार आएगा, ये आएगा, गलती से बोल दिया था ना मैंने, ये 36% है, ये फेल्सपार 48% है, माइका कितना है 10% है ना, कितना 10% है, माइका जो होता है कितना होता है 10% होता है, क्लियर, माइका जो होता है 10% होता है, क्लियर। तो फेल्सपार कितना होता है 48% होता है, क्वार्ट्ज 36% होता है, माइका 10% है, यहाँ तक याद रखना, ठीक है। अब देखो जो क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम सिलिका कहते हैं ना, क्वार्ट्ज को ही क्या कहते हैं हम, सिलिका, ठीक है, सिलिका SiO2 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जो है क्वार्ट्ज जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वार्ट्ज के बारे में और इम्पोर्टेंट बात है क्या है, कि जो क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज क्ले मिनरल, ये जो क्वार्ट्ज क्ले मिनरल है, ठीक है, क्वार्ट्ज क्ले मिनरल जो होता है, ठीक है, इसके टूटने से, इसके हाइड्रोलाइसिस, सैंडी टाइप है ना, याद रखना, सैंडी टाइप सोइल है ना, सैंडी टाइप सोइल जो है, सैंडी फ्रिक्शन, ठीक है, सोइल के अंदर क्या करता है, सैंडी फ्रिक्शन को बढ़ाता है, मतलब सैंड पार्टिकल्स को बढ़ाए गए, ठीक है, क्वार्ट्ज के टूटने से आपको सैंड फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है। क्वार्ट्ज जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, मोस्ट रेजिस्टेंट याद रखना क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, वेदरिंग के सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट यही होता है ना, बहुत देरी से है ना, आराम से टूटेगा, तो मोस्ट रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए ना, जो अपक्षरण होता है, तो वेदरिंग के लिए सबसे जो है रेजिस्टेंट कौन होता है, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज कितना होता है सैंडी टाइप, जबकि जो फेल्सपार होता है ना, इसके हाइड्रोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा, फेल्सपार के हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेगा क्ले, इसके हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेगा भाई क्ले कंटेंट, क्लियर है। और सिलिका के बेसिस पर ही, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, मतलब क्वार्ट्ज के बेसिस पर ही, ठीक है, जो रॉक्स के टाइप्स होते हैं तीन प्रकार के, एक एसिड इग्नियस अपना एसिड रॉक्स होती है, बेसिक रॉक्स होती है, और एक इंटरमीडिएट होती है। देखो किसी के बेसिस पर, सिलिका के बेसिस पर है ना, जो सिलिका इसी के बेसिस पर चट्टानें जो होती है, रॉक्स के भी तीन प्रकार होते हैं, हाँ ना भाई, चट्टानों को भी तीन प्रकार होते हैं इसी के बेसिस पर, कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, एक एसिड रॉक्स होती है, क्या होती है, अगर फ्री सिलिका, ठीक है, अगर फ्री सिलिका 65 से लेकर 70% है, अगर भाई फ्री सिलिका 65 से लेकर 70% है तो उसे हम एसिड रॉक्स कहते हैं, अगर है ना फ्री सिलिका, अगर फ्री सिलिका जो है कम है, ठीक है, फ्री सिलिका बहुत कम होती है, लगभग 40 से लेकर 45%, तो उसे बेसिक रॉक्स कहते हैं। अगर फ्री सिलिका इंटरमीडिएट है ना, दोनों के बीच में है, इंटरमीडिएट टाइप, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जैसे 55 से लेकर 65% के बीच में। तो ये सिलिका के कंटेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, सिलिका के बेसिस पर ही, ठीक है, चट्टानों के तीन प्रकार होते हैं, एक होती है ना अम्ली चट्टान, एक होती क्षारीय चट्टान, एक इंटरमीडिएट। अम्ली चट्टान एसिड रॉक्स नहीं कहते हैं, जिन ऐसी चट्टान जिनके अंदर क्या होता है फ्री सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है 65 से लेकर 70% तक, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। जैसे बेसिक रॉक्स क्या होती है, बेसिक रॉक्स वो होती है भाई, जो बेसिक रॉक्स वो होती हैं, क्या होती हैं बेसिक रॉक्स, तो याद रखना बेसिक रॉक्स जिनके अंदर फ्री सिलिका कम होती है, कितनी होती है, तो आंसर 40 से लेकर 45% तक होती है, जिसका एग्जांपल है बेसाल्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी, बताएं, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी लोग बताएं, क्लियर। चलिए तो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर देना, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
चलिए बताएं अगला प्रश्न है। देखो इस तरह के एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ए सोइल सैंपल वेटेड 20 ग्राम वैनिटी वेट है ना, जब को देखो मिट्टी का नमूना एक है जिसका वजन कितना होता है 20 ग्राम जब वो गीला है, ठीक है 16 ग्राम वेन ओवन ड्राइड मतलब सूख जाता है 16 ग्राम है, तो व्हाट वुड बी द मॉइस्चर कंटेंट, उसमें भाई नमी की मात्रा कितनी है, उसमें नमी की मात्रा देखो एक मिट्टी के नमी का वजन कितना है 20 ग्राम है जब है गीला होता है, और 16 ग्राम कब है जब वो सूख जाने के बाद क्या होता है 16 ग्राम होता है, सूख जाने के बाद क्या 16 ग्राम है, तो आपको ये बताना है सूख जाने के बाद 16 ग्राम है आपको ये बताना है, तो मिट्टी में नमी की मात्रा कितनी है बताएं, मिट्टी में नमी की मात्रा कितनी है। चलिए एक बार सेशन को है ना सेशन को एक बार शेयर जरूर करें। कितना होगा बहुत ही सरल है, 25% होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई। देखो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है वेट ऑफ है ना मॉइस्ट सोइल, वजन होता है ना वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सोइल, नीचे आता है वेट ऑफ ड्राई सोइल इंटू 100 सोइल, पहले वजन कितना है 20, बाद में कितना है 16, बाद में कितना है 16 इंटू 100, कितना आएगा 4/16 × 100, कितना आएगा ये 4, कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा नमी की जो है इस प्रकार से नमी वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कितना आएगा 25, कितना आएगा भाई 25 आएगा नमी वाला, बिल्कुल 25 आएगा। चलिए क्लियर यहां तक सभी को बताएं। क्लियर है ओके अगला बताएं। देखो द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक पैटर्न क्या कहते हैं बताएं, द अरेंजमेंट ऑफ इस पे है ना आपको बताना है कि भाई अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल्स इन ए स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड सोइल टेक्सचर कहते हैं, सोइल सेपरेट्स कहते हैं, सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं, या बताओ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, देखो ये ओवरऑल साइंस सोइल साइंस के क्वेश्चन है ना, आपको सोइल साइंस के ओवरऑल क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए बताएं क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, देखो सोइल है ना सोइल कणों की व्यवस्था को है ना एक विशिष्ट पैटर्न में व्यक्तिगत जो है या इंडिविजुअली व्यक्तिगत की आप एकल लिख सकते हो ना, एकल मिट्टी के कणों की है ना व्यवस्था को क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल, तो सोइल पार्टिकल के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है भाई सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या कहते हैं सोइल स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसे हम सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्लियर है ऐसे क्या बोलते हैं हम सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं मृदा की संरचना। अब देखो सोइल स्ट्रक्चर के जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, देखो स्ट्रक्चर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है याद रखना, स्ट्रक्चर से संबंधित 3 एग्जाम में पूछ है ना चीज़ें पूछते हैं टाइप्स, ठीक है स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है, ठीक है स्ट्रक्चर की क्लास क्या है और ग्रेड क्या है, 3 एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रक्चर से, 3 है ना कैटेगरीज होती है स्ट्रक्चर के अंदर, एक होता है स्ट्रक्चर का टाइप, तो देखो स्ट्रक्चर के टाइप में हम देखते हैं क्या, तो आंसर अरेंजमेंट ऑफ पैड्स, मतलब पैड क्या होता है फिर जो है ना मिट्टी के जो नेचुरल एग्रीगेट्स होता है उसे हम पैड कहते हैं, मिट्टी के जो नेचुरल एग्रीगेट्स होता है उसे हम पैड कहते हैं, ध्यान से सुनते चलना एक एक चीज़ है ना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रक्चर का प्रकार, संरचना के प्रकार, मिट्टी की संरचना के प्रकार, इस प्रकार में हम पढ़ते हैं कि जो पैड्स है उसकी व्यवस्था कैसी है, मिट्टी के कणों को क्या बोलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कणों के जुड़े होते हैं उन्हें हम पैड्स कहते हैं, तो टाइप्स में क्या देखते हैं हम, टाइप्स के अंदर याद रखना क्या देखते हैं टाइप्स में, तो आंसर है पैड का अरेंजमेंट्स, ठीक है पैड्स का अरेंजमेंट, ठीक है पैड्स का अरेंजमेंट कैसा है, व्यवस्था कैसी, किस प्रकार से जुड़े हैं, तो टाइप्स जैसे भाई प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है ना, प्लेटी स्ट्रक्चर है, कोल्यूमनर स्ट्रक्चर है, आपको अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा है ना, अलग अलग स्प्रूडल जैसे 4 मेजर स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे टाइप्स में, कौन कौन से टाइप्स जो है मेजर स्ट्रक्चर हैं, देखो एक आपको नजर आएगा कौन सा जिसका नाम है प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है एक आपको नजर आएगा ठीक है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, कौन सा प्रिज्मेटिक, ठीक है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, एक आपको नजर आएगा ब्लॉकी स्ट्रक्चर, ठीक है एक आपको नजर आएगा ब्लॉकी, और एक आपको नजर आएगा जिसका नाम है ठीक है स्पोरोइडल, ये 4 प्रकार के आपको नजर आएंगे, ये तो हो गए हमारे प्रकार संरचना के, ठीक है व्यवस्था। क्लास में क्या देखते हैं, क्लास में देखते हैं साइज ऑफ पैड्स, ठीक है कि भैया साइज कैसा है,
ठीक है ना, कोर्स है, थिक है, मीडियम है, वेरी फाइन है, इसमें क्या देखते हैं, तो साइज ऑफ, है ना, याद रखना, इसमें देखते हैं साइज ऑफ पैड्स, पैड्स है ना, मोटा है, पतला है, मतलब वेरी कोर्स, थिन, मीडियम, वेरी थिक, इस प्रकार से। और ग्रेड में क्या देखते हैं, ग्रेड के अंदर कि पैड्स जो है या नहीं, मतलब इस पर स्ट्रक्चर लेस सोइल है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मॉडरेट स्ट्रक्चर है, मीडियम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो पैड्स होता है उसकी क्या इंडिविजुअलिटी है, पैड्स है या नहीं, क्या बिल्कुल पाउडर फॉर्म में सोइल है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ऐसी सोइल जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ग्रेड्स में क्या देखते हैं, हम ग्रेड के अंदर देखते हैं, क्या देखते हैं ग्रेड्स में, तो याद रखना आप, डिस्टिंक्टनेस, ठीक है, ऑफ पैड्स, क्लियर। तो भाई पैड्स है या नहीं, है तो बहुत अच्छे से जुड़े हैं कि नहीं, मतलब एग्रीगेट बहुत अच्छे से जुड़े हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, बहुत कम है तो मीडियम होगा, उससे कम वेरी मीडियम, है ना, लो होगा, और बिल्कुल नहीं होगा तो स्ट्रक्चर लेस सोइल कहते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर में चार चीज़ें आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितनी ये चार चीज़ें याद रखना है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताएं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताएं, क्या ये क्लियर है पहले ये बताओ, अरे क्लियर है, क्लियर, ये सारी चीज़ें क्लियर, ये याद रखना, टाइप्स है, क्लास है, ग्रेड, ये स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं सब। इसके बाद देखो टेक्सचर का मतलब अलग होता है, टेक्सचर का मतलब एक प्रकार से रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, भाई रिलेटिव परसेंट ऑफ सैंड सिल्ट क्ले जो होता है उसे हम टेक्सचर कहते हैं, हाँ ना, रिलेटिव परसेंट ऑफ, रिलेटिव परसेंट ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट और क्ले, भाई तीनों का जो अपेक्षित अनुपात होता है, तीनों का जो अपेक्षित अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, याद रखना, ये तीनों का अपेक्षित अनुपात है, रिलेटिव परसेंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट के लिए उसे हम टेक्सचर कहते हैं। तो टेक्सचर इज द परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, ये सोइल की क्या होती है, परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताएं ये सोइल की क्या है, परमानेंट टेक्सचर, है ना, ये वाला जो टेक्सचर, तीनों का रिलेटिव परसेंट ऑफ सैंड सिल्ट के लिए को टेक्सचर कहते हैं, ये सोइल की परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए सोइल सेपरेट थिनिंग को कहते हैं, सैंड सिल्ट के लिए को भी हम सोइल सेपरेट्स कहते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें यार। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर द लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक, बताओ सबसे कम, है ना, आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है, सबसे कम आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा होता है, लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक कौन सा होता है, बताएं, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज द लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक, सबसे कम लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा है, बताइए सबसे कम लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर क्या है, न्यूनतम आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है, बताएं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बताएं सबसे कम, बताएं, बताइए आप सबसे कम कौन सा होता है, सबसे कम बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है सबसे कम, आप जो सी आंसर दे रहे हो किस बेस पर दे रहे हो भाई, जो सी आंसर दे रहे हो आप किस बेस पर दे रहे हो, मेरे को एक बात बताएं, क्या आपने कहीं पढ़ा है, तुक्का लगा रहे हैं भाई, किताब में तो पांच दिए हैं, देखो किताब में तो ये पांच ही दिए हैं, ध्यान से सुनना, किताब के अंदर तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिया है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, किताब के अंदर तो सबसे ज़्यादा ये दिया है अमोनियम नाइट्रेट, हाँ या ना, दूसरे नंबर पर दिया है यूरिया, तीसरे नंबर पर दिया है, है ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है, चौथे नंबर पर ये दिया है, ठीक है, बताओ चौथे नंबर पर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, ठीक है, आर्द्रता ग्राही में पाँचवें नंबर पर दिया है कैन, ये पांच ही बुक के अंदर दिए हैं, बताओ क्या आंसर आएगा, अब डी जो है, मेरे को कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं डीएपी, डीएपी जो किस बेस पर दे रहे हैं, आपने कहाँ पढ़ा, कहीं पढ़ा क्या, ये एक दूसरे को तुक्का लगा के दे रहे हैं भाई, किताब के अंदर तो ये पांच ही दिए, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट है, ये ऑर्डर जो है ना ये घटते से है ना, सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक ये होता है, सबसे ज़्यादा तो ये है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तो ये है, सबसे ज़्यादा तो ये है,
सबसे कम तो बुक्स के अंदर ये दिया भाई कैन फर्टिलाइजर, मैंने आपको पांचों का क्रम बता दिया, तो आंसर तो कैन फर्टिलाइजर होगा। आंसर क्या होगा, कैन फर्टिलाइजर दिया है बुक्स के अंदर पांचों सिक्वेंस में, डीएपी तो दिया ही नहीं उसमें। अगर आप बुक्स देखोगे तो बुक्स में डीएपी तो दिया ही नहीं, दिया क्या? चलिए और मैं डीओपी को रिसर्च कर लूँगा अपन आगे, जब तुम इतने बच्चे हैं ना, तो मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, डीएपी के बारे में। फिर भी और मैं आगे देख लूँगा इसको, कल अगले कल भी हमारी सोयल साइंस की क्लास होगी, तो कल हम इसको और देख लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस, अगला क्वेश्चन चलिए। तो सबसे ज़्यादा तो अमोनियम नाइट्रेट होता है अपन ने, है ना, सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन सुन, आप देखना, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, अपन और एक बार चेक कर लेंगे डी ए पी यूरिया में, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अपन एक बार चेक कर लेंगे भाई, ओके। अगर आपको लग रहा है डी ए पी मेरे को अभी यही याद आ रहा है, तो अपन और इस बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना, इसको और इसको एग्जैक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन एक बार कल फिर चेक कर लेंगे, कल फिर पढ़ेंगे ना अपन, ठीक है ना। ये सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया, चलिए आगे पढ़े अपन, ये वाला बताइए आप। ओके, तो कभी कभी मेरे को खुद को याद नहीं रहता कि इतनी सारी चीज़ें याद रखना होती है, अभी मेरे को ये याद आ रहा है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो भाई, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन दिमाग है, अभी मेरे को याद आ रहा है, कल एक बार और अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए डी ए पी होगा तो अपन डी ए पी इसको पढ़ लेंगे ना, क्योंकि डी ए पी इसके नीचे आएगा फिर। ओके चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, पहले बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अरे हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बताइए, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेंगे, वैसे डीएपी नहीं है यार, ठीक है, वैसे डीएपी नहीं है। चलिए यहाँ पर बताएं, अगला प्रश्न आप बताइए कि लिस्ट है ना सिम्टम्स, विच द लिस्ट सेकंड, आपको बताना है भैया बीमारी कौन कराता है। देखो बहुत ही सरल है, खैरा बीमारी जो होती है ना, खैरा डिजीज ऑफ राइस किससे होती है, तो आंसर जिंक की कमी, भाई ए जो होगा फोर्थ, हाँ या ना, बिल्कुल। ब्राउनिंग कोलीफ्लावर जो है बोरोन की कमी से होता है, बिल्कुल। ब्राउनिंग किससे होगा, बोरोन की कमी से, बी जो आएगा टू में आएगा, बिल्कुल आएगा। पर्पल कलरेसर ऑफ है ना, जो अपना मक्का की निचली वाली पत्तियाँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, मक्का की नीचे की पत्तियाँ पर्पल कलर हो जाती है फॉस्फोरस की कमी से, सी का आएगा वन और डी का आएगा थ्री, क्लियर। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या आएगा, डी आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट क्या आएगा, डी। तो खैरा डिजीज ऑफ राइस, जिंक डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। ब्राउनिंग ऑफ कोलीफ्लावर, फॉस्फोरस जो अपना ब्राउनिंग ऑफ कोलीफ्लावर क्या हो गया, ये बोरोन की कमी, ठीक है। पर्पल कलरेशन ऑफ ये क्या होगा, फॉस्फोरस, ठीक है, पर्पल कलरेशन क्या हो गया, तो आंसर है फॉस्फोरस। और इसके बाद है ना फायरिंग ऑफ द टोबैको लीव्स, तो आंसर है किससे, पोटेशियम। चलिए तो आंसर क्या हो गया अपना, ए फोर हो गया, ए फोर के बाद बी टू सी वन, बिल्कुल सही है सभी का, क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आप, जैसे मोंटमोरिलोनाइट है ना, मोंटमोरिलोनाइट जो क्लेमेंडल होता है, मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट क्लेमेंडल जो है किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, किस मिट्टी में, ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एग्जाम में अपन रिवीजन कर रहे हैं, एक प्रकार से रिवीजन सीरीज चल रही है अपनी, तो जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ये हमारी एक प्रकार से समझो कि रिवीजन सीरीज है सभी सब्जेक्ट को लेकर, है ना, हर दिन अपन हर सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, टफ क्वेश्चन भी आएंगे सभी प्रकार के, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो ऐसे मोंटमोरिलोनाइट जो है किस मिट्टी में अधिक पाया जाता है, मोंटमोरिलोनाइट क्लेमेंडल इज द प्रीडोमिनेंट, एल्यूवियल सोइल के अंदर, रेड सोइल में, लैटेराइट सोइल में, ब्लैक सोइल में, बताओ किस सोइल में सबसे ज़्यादा होता है, बताइए आप। चलिए हाँ, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर है काली मिट्टी, इसी तरह के ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, मोंटमोरिलोनाइट जो होता है किस मिट्टी के अंदर, तो मोंटमोरिलोनाइट जो है आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा किस में, काली मिट्टी में, किस में मिलता है, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी में जो होता है फैलने, काली मिट्टी के अंदर ही क्या होता है, जो फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है उसी के कारण, है ना, फैलने व सिकुड़ने का गुण, फैलने व सिकुड़ने का जो गुण होता है कि नहीं, इसी के कारण होता है।
फैलने व सिकुड़ने का जो गुण होगा काली मिट्टी में, जो सॉइल और श्रिंकेज की कैपेसिटी होती है काली मिट्टी के अंदर, जो सॉइल और श्रिंकेज की कैपेसिटी होती है, तो इसी के कारण होती है फैलने, ठीक है ना। किस कारण? मोंटमोरी लिगनाइट, है ना। देखो तो काली मिट्टी जो होती है इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है ना, काली मिट्टी में क्या होता है क्ले कंटेंट, याद रखना ज़्यादा, यही तो ज़्यादा होता है ये। तो मोंटमोरी लिगनाइट जो होता है, याद रखना क्या होता है, मोंटमोरी लिगनाइट जो होता है एक प्रकार से 2:1, कल भी मैंने आपको बताया था एक्सपांडिंग प्रकार होता है कि नहीं, 2:1 एक्सपांडिंग प्रकार होता है। तो मोंटमोरी लिगनाइट जो होता है 2:1 एक्सपांडिंग प्रकार है, इसी के कारण फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो काली मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है ना। देखो लाल मिट्टी में क्या होता है क्योलिनाइट, है ना, याद रखना इसमें क्योलिनाइट, लाल मिट्टी और लैटेराइट में भी यही मिल जाए आपको मिल जाएगा क्योलिनाइट, ठीक है ना। ये तो लाल मिट्टी में क्या होता है क्योलिनाइट होता है। चलिए आगे पढ़े। देखो इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स, मैं आपको देखो ये जो पढ़ा रहा हूँ ना इसमें इजी क्वेश्चन भी आएंगे, टफ धीरे धीरे। हम अभी 2-3 दिन तक सोइल साइंस पढ़ेंगे, हम अभी सोइल साइंस का रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन होता जाएगा इससे धीरे धीरे। आप भी खुद पढ़ोगे, यहाँ भी अपन क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमारा मकसद है कि आपका रिवीजन कराना, ठीक है ना। मेरा जो उद्देश्य है कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए भाई एग्ज़ाम तक बिल्कुल अच्छे से। चलिए हाँ, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, बताएं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स ऑफ द प्लांट इज द कैरेस्टेटिक सिम्टम्स। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है भाई, सोयल के अंदर जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है वो किसके कारण होता है, सॉरी अपना लीव्स के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर, पौधों की नई पत्तियों में, है ना, नई, ठीक है, नई पत्तियों में, है ना। अगर नई पत्तियों पूछा तो नई पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस किसके कारण आएगा, नई पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस जो होता है किसके कारण आता है, ठीक है। नई पत्तियों में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस आएगा वो किसके कारण आएगा, तो आंसर है, ठीक है, आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से। और एक बार बताओ, अगर पुरानी पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस है तो, अगर पुरानी पत्तियों में पूछा तब क्या आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन बताएं आप। अगर पुरानी पत्तियों में पूछा कि पुरानी पत्तियों में किससे आएगा, पुरानी पत्तियों में जो है किससे आता है, पुरानी पत्तियों में किससे आएगा, पुरानी पत्तियों में बताएं, इसमें तो होगा नई पत्तियां, अपना आयरन हो गया। अगर पुरानी पत्तियां पूछा तब आंसर क्या लगाओगे, अगर आपसे पुरानी पत्तियां पूछे तब आंसर क्या लगाएंगे आप, अगर क्वेश्चन पुरानी पत्तियां पूछा है कि पुरानी पत्तियों में इंटरवेनल क्लोरोसिस बताओ ओल्ड लीव्स के अंदर, तो आंसर क्या लगाओगे, ठीक है। अगर ओल्ड लीव का पूछा जाए तब आंसर क्या लगाना आपको, ओल्ड लीव का पूछा जाए तो मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है ना। अगर पुरानी पत्तियां पूछ रहे हैं तो आपको लगाना है Mg, मैग्नीशियम। अगर यही क्वेश्चन पुरानी पत्तियों के लिए पूछा कि पुरानी पत्तियों में बताओ कि भैया ओल्ड है ना, पुरानी पत्तियों में आप ये बताइए कि किसके कारण होता है, क्या पूछा जाए पेपर में कि पुरानी पत्तियों के कारण किसके कारण होता है पुरानी पत्तियों में, तो आंसर बताएंगे आप मैग्नीशियम। नई पत्तियों में पूछा जाए तो आंसर है नई पत्तियों में आयरन, ठीक है। किसी किसी को नाइट्रोजन तो याद नहीं आ रहा, किसी को नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है कंप्लीट है ना क्लोरोसिस करता है, वी शेप्ड नाइट्रोजन तो जो है ओल्ड लीव्स में क्लोरोसिस, वी शेप्ड क्लोरोसिस, नाइट्रोजन जो होता है क्या करता है भाई, वी शेप्ड क्लोरोसिस करता है, तो नाइट्रोजन जो है क्या करता है, वी शेप्ड क्लोरोसिस, क्या करता है नाइट्रोजन, वी शेप्ड क्लोरोसिस, क्लियर। नाइट्रोजन क्या करेगा तो आंसर है वी शेप्ड क्लोरोसिस करने का काम करता है ये, तो कहाँ पर, पुरानी पत्तियों पर, हाँ है ना, पुरानी पत्तियों पर, ओल्ड लीव्स पर आपको देखने को मिलेगा ये को नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, बिल्कुल। देखो बोरोन जो है, बोरोन की कमी के लक्षण आपको कहाँ मिलेंगे, कैल्शियम बोरोन, देखो बोरोन की कमी के लक्षण हमको कहाँ मिलते हैं, जो एपिकल बड होती कि नहीं, टर्मिनल बड का हो, टर्मिनल बड जो होती है, बिल्कुल, कौन सी, टर्मिनल बड, सिरस्थ कलिका जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल है, ठीक है। जिंक जो है ये नई पुरानी दोनों पत्तियों पर, हाँ ना, नई व पुरानी, नई व पुरानी पत्तियों पर दोनों पर सिम्टम्स, और ये जो फॉस्फोरस की कमी के लक्षण आपको मिलेंगे पुरानी पत्तियों पर, है ना, फॉस्फोरस की कमी के, ओल्ड लीव्स पर फॉस्फोरस की कमी के आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, आपको यहाँ पर बताना है परसेंट ऑफ पोरोसिटी, बताइए परसेंट ऑफ पोरोसिटी कितनी होगी, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है एक क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि परसेंट ऑफ पोर स्पेस कितनी होगी, बताइए पोरोसिटी आपको बताना है, परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस कितना है बताएं आप। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि किसी सोयल का जो है बल्क डेंसिटी, यहाँ पर दिया 1.5, बल्क डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.5, ठीक है, बल्क डेंसिटी कितना दिया है 1.5, ठीक है,
50 पार्टिकल डेंसिटी आपको दिया है 2.65। बिल्कुल आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या आप ये बताएं कि भैया परसेंट ऑफ पोर स्पेस कितना है, बताओ। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करते चलें यार, सेशन को शेयर कर दें सभी लोग। क्या होगा आंसर बताएं, आंसर बताएं क्या होगा, क्या होगा आंसर, देखो आंसर क्या होगा, इधर देखें बोर्ड पर देखें आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो बल्क डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है, कैसा फॉर्मूला होता है कि आपको परसेंट अगर पोर स्पेस निकालना है, आपको अगर परसेंट पोर स्पेस निकालना है तो 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100 ये करना पड़ती है, ये आप करिए, ठीक है ना। तो 100 माइनस 1.5 अपॉन 2.65 इंटू 100। चलिए इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, देखो इधर देखो, तो 100 माइनस ये कितना आएगा, ये लगभग आएगा 56% लगभग, है ना, 56 आएगा ही, 56.3 कुछ ऐसा, तो लगभग 43 आंसर आएगा ना, 43.4 बिल्कुल, ठीक है, 56.6 आएगा, तो ये 43.4 आंसर आएगा। तो आंसर आ रहा है सभी का, क्या आंसर आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है सभी का, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहें, सेशन को सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहो। देखो एक नॉर्मल सोइल की अपन बात करते हैं बल्क डेंसिटी कितनी होती है, ये तो अपन एग्जांपल बात कर ली है ना, नॉर्मल सोइल की जो बल्क डेंसिटी होती है ना, नॉर्मल सोइल की जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.65 होती है ग्राम पर सीसी, और बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो 1.33 ग्राम पर सीसी, ये आपको याद रखना है। नॉर्मल भाई पार्टिकल डेंसिटी 2.65 होती है, बल्क डेंसिटी 1.33 उसकी जस्ट आधी होती है, उसकी जस्ट क्या होती है, आधी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है रॉक फॉस्फेट जो होता है, रॉक फॉस्फेट जो है ना, रॉक फॉस्फेट नाम का एक फर्टिलाइजर होता है जिसका उपयोग हम किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने में करते हैं, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग हम किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने में करते हैं, बताएं, न्यूट्रल सोइल में, एसिडिक सोइल में, एल्कलाइन सोइल में या सैलाइन सोइल में, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग हम किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने में करते हैं, बताएं रॉक फॉस्फेट का प्रयोग जो हम किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने में करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सोइल में, एसिडिक सोइल में, एल्कलाइन सोइल में या सैलाइन सोइल में, बताएं आप रॉक फॉस्फेट का प्रयोग हम किस प्रकार की मिट्टी को ठीक करने में करेंगे, न्यूट्रल सोइल, एसिडिक सोइल, एल्कलाइन सोइल या सैलाइन सोइल, क्या आंसर आएगा बताएं, किसका प्रयोग करेंगे हम रॉक फॉस्फेट को ठीक करने में, हम किस प्रकार बताएं रॉक फॉस्फेट को ठीक करने के लिए, मतलब रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसको ठीक करने में करते हैं, रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड इन, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रल सोइल, एसिडिक सोइल, एल्कलाइन सोइल या सैलाइन सोइल, देखो रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं किसमें, अम्लीय मृदा को ठीक करने में, किसको, अम्लीय मृदा को ठीक करने में, है ना। देखो रॉक फॉस्फेट किस प्रकार का उर्वरक है, ठीक है, ये किस प्रकार का उर्वरक है, तो एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, नाम ही वही रॉक फॉस्फेट, एक प्रकार का फॉस्फेटिक क्या है, उर्वरक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एक प्रकार का कैसा फर्टिलाइजर होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, ये जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, ठीक है, रॉक फॉस्फेट एक प्रकार का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, बिल्कुल है, ठीक है, जो फॉस्फेट इसमें कितना परसेंट फॉस्फोरस होता है भाई, कितना परसेंट, P2O5 होगा, 20 से लेकर 40% तक आपको मिलेगा P2O5, आपको फॉस्फोरस का परसेंट कितना मिलेगा, 20 से लेकर 40%। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है ये किस प्रकार का है, ये क्या जल में घुलनशील वाला है, मतलब वाटर सोल्यूबल है या सिट्रेट सोल्यूबल है या दोनों में अघुलनशील है, ये किस प्रकार का है, ये जो रॉक फॉस्फेट होता है एक प्रकार का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसमें 20 से लेकर 40% तक फॉस्फोरस आपको मिलेगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस प्रकार का उर्वरक है, क्या ये वाटर सोल्यूबल है, क्या ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, क्या ये वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, क्या ये सिट्रेट सोल्यूबल है, सिट्रेट सोल्यूबल है, क्या ये है ना बोथ इनसोल्यूबल है, वाटर एंड सिट्रेट इनसोल्यूबल है, बताओ वाटर एंड सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल है, बताओ कि इनमें से कौन सा आएगा, ये जो है कौन से कैटेगरी में आता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनमें से ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये जो है किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, रॉक फॉस्फेटिक, भाई फॉस्फेटिक तो ये जल में घुलनशील होता है, सिट्रिक एसिड में घुलनशील या दोनों में अघुलनशील, किस में आता है,
ये किस में आता है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस में घुलनशील होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताएं ये किस में घुलनशील है या अघुलनशील जो भी है, इन तीनों में से क्या आंसर आएगा बताओ, बताएं कमेंट सेक्शन में इन तीनों में से क्या आंसर आएगा, इन तीनों में से क्या आंसर आएगा, वाटर सोल्यूबल है, सिट्रिक सोल्यूबल है, दोनों में अघुलनशील, किस में आएगा, किस में घुलता है नहीं घुलता बताएं, किस में आएगा, किस में आएगा बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में किसके अंदर आएगा, ये ठीक है किस में आएगा बताएं भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि रॉक फॉस्फेट है तो क्या जल में घुलनशील फॉस्फेट एक उर्वरक है क्या, ठीक है सिट्रिक एसिड में घुलनशील है या दोनों में अघुलनशील है, तो क्या आएगा बिल्कुल दोनों में अघुलनशील होता है ना, दोनों के अंदर अघुलनशील होता है, वाटर के अंदर भी और सिट्रिक एसिड के अंदर भी अघुलनशील होता है, इसमें तीन आते हैं ना, रॉक फॉस्फेट आता है एक रो है ना अपना रो बोन मिल आता है और स्टीम्ड बोन मिल आता है कि नहीं, इस कैटेगरी के अंदर आप तीन फर्टिलाइजर देखोगे ना, इसमें हम तीन उर्वरक देखते हैं, कौन कौन से तीन उर्वरक देखते हैं, एक हम देखते हैं भाई रॉक फॉस्फेट है ना इस कैटेगरी में, एक हम देखते हैं रॉक फॉस्फेट आता है हाँ है ना, एक आपको मिलेगा कौन सा रो बोन मिल, आपको मिलेगा रो बोन मिल, एक आपको मिलेगा रो बोन मिल, आपको मिलेगा एक स्टीम्ड बोन मिल, कौन सा मिलेगा स्टीम्ड बोन मिल, अरे हाँ है ना आपको एक मिलेगा आपको स्टीम्ड बोन मिल, क्लियर है, चलिए ये तीनों फर्टिलाइजर मिलते हैं ना, एक आपको मिलेगा रॉक फॉस्फेट, एक रो बोन मील मिलता है और एक मिलता है आपको स्टीम्ड है ना बोन मील, ठीक है ये तीन ही फर्टिलाइजर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई सोइल टेम्परेचर, ठीक है हाई सोइल टेम्परेचर सप्रेस द वीट जर्मिनेशन, दिस हीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, बताओ अधिक मृदा तापमान से खरपतवारों के बीज का अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं बताएं, एक बार सेशन आपको अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें, हाँ बिल्कुल है ना मनोरंजन बिल्कुल सही है, चलिए तो क्या आंसर आएगा बताओ, द हाई सोइल टेम्परेचर सप्रेस द वीट जर्मिनेशन दिस हीटिंग प्रोसेस, इसे क्या कहें, बहुत सिंपल है सोइल सोलराइजेशन कहते हैं, हाई टेम्परेचर के द्वारा क्या करना वीट जर्मिनेशन को रोकना भाई, मिट्टी के तापमान को बढ़ाकर, तो टेम्परेचर को बढ़ा के काली पन्नी बिछा दो, काली पन्नी से क्या होगा टेम्परेचर है ना काली पन्नी के अंदर हीट जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोइल का टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे क्या होता है वीट का जर्मिनेशन, तो हम सोइल सोलराइजेशन कहते हैं, गर्मियों के अंदर करते हैं कि नहीं हम इसको, तो हम सोइल सोलराइजेशन कहेंगे हाँ है ना, गर्मियों के अंदर हम ये काम करते हैं कि भाई काली पन्नी बिछा दी एक प्रकार से, जिससे सनलाइट आएगी तो काली पन्नी जो है ट्रैप कर लेगी एनर्जी को, जिससे क्या होगा सोइल के टेम्परेचर को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं खरपतवार जो है वीड हैं जो हाइबरनेटिंग इंसेक्ट हैं या फिर जो डिजीज है इनके स्पोर्स को हम क्या कर सकते हैं किल कर सकते हैं मार सकते हैं सोइल के टेम्परेचर को बढ़ा के। चलिए अब देखो एक इंपॉर्टेंट होता है स्टेल सीडबेड, क्या होता है स्टेल सीडबेड, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना, ये तो आप सब जानते हैं आप स्टेल सीडबेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ना स्टेल सीडबेड टेक्निक क्या होती है। देखो इसमें क्या करते हैं कि अपन पहले है ना इरीगेशन करते हैं, इरीगेशन से क्या करते हैं वीड को है ना इरीगेशन से क्या करेंगे, देखो इरीगेशन देंगे फील्ड में, पहले इरीगेशन देंगे जिससे क्या होगा वीड सीड का जर्मिनेशन होगा, ठीक है वीड सीड का क्या होगा जर्मिनेशन, ध्यान से सुनना पहले ना वीड्स को जर्मिनेट होने का मौका देते हैं कि पहले भाई पानी दे दो इरीगेशन दे दो है ना, बरसात समय पहले अपन देखते हैं कि अभी मानसून आएगा पानी बरस जाएगा तो खरपतवार रुक गया फिर प्लोइंग कर दो, तो इरीगेशन से पहले क्या करते हैं हम वीड सीड को जर्मिनेट करवाते हैं ना, ये जर्मिनेट हो जाएगा जर्मिनेशन के बाद इसको प्लोइंग कर दो आप, जर्मिनेशन हो गया ना जब सीडलिंग देखने लगे ना उसकी प्लोइंग कर दो, तो इसको इस प्रकार सीड क्या करना, ठीक है तो वीड सीड का जो है ना जर्मिनेशन जो होता है तो इस प्रकार देखो हम क्या करेंगे, देखो पहले इरिगेशन प्रोवाइड करना, पहले सिंचाई करेंगे, सिंचाई से है ना जर्मिनेशन का मौका देंगे, अंकुरित हो जाएगा जब अग हो गया दिखने लगा फिर प्लोइंग कर दो, इस प्रकार को वीड को कंट्रोल करना उसे हम क्या बोलते हैं स्टेल सीडबेड कहते हैं, याद रखना उसे क्या बोलते हैं हम स्टेल सीडबेड कहते हैं, क्लियर यहाँ तक सभी को। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो आता है इसलिए
क्या आंसर होगा? अगला क्वेश्चन है सोइल, है ना, सोलम किसे कहते हैं बताएं। तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दे रहे हैं, अगर आप सेशन अच्छा लग रहा है आप सभी को। हाँ, सबसे पहले घबराना नहीं, है ना। सोइल सोलम किसे कहते हैं, ये तो इजी प्रश्न बहुत ही, ठीक है। ए प्लस बी ओरिजन सोलम होता है, ए प्लस बी ओरिजन ये रेगुलेट होता है, ये रेगुलेट है, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने एक सोइल प्रोफाइल का डायग्राम बना हुआ है ना, ये आपके सामने सोइल प्रोफाइल का एक डायग्राम है। ओ है, ए है, ठीक है, बी है, यहाँ पर आपको बीच में ई भी नज़र आएगा ना, यहाँ पर बीच में आपको ई भी नज़र आएगा, ये सी है, ठीक है। चलिए, आप ये बताना है आपको इनमें से किस होरिजन को, किस होरिजन को हम एलुवेशन कहते हैं, इनमें से किस होरिजन को हम, ये वाला है ना, वाशिंग आउट होरिजन कहते हैं, इनमें से हम किस होरिजन को, है ना, वाशिंग आउट कहते हैं बताएं, किस होरिजन को हम वाशिंग आउट वाला, भाई लीचिंग जिसमें होता है, और किस होरिजन को हम ये वाशिंग इन कहते हैं, किस होरिजन को हम वाशिंग इन कहते हैं एलुवेशन, किस होरिजन को हम वाशिंग इन कहते हैं बताओ। ये आपके सामने सोइल प्रोफाइल का एक डायग्राम बना हुआ है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम बना है, तो किस होरिजन को बताएं, किस होरिजन को हम क्या बोलेंगे एलुवेशन वाशिंग आउट, किसे वाशिंग इन कहते हैं बताएं, किस होरिजन को बताइए कमेंट सेक्शन में, किस होरिजन को हम वाशिंग, है ना, किस होरिजन को हम वाशिंग आउट वाला। तो देखो, जो वाशिंग आउट एक्चुअली ई में ही होता है ना, ई वाला जो होरिजन ए का ही पार्ट होता है एक्चुअली इसमें, तो इसे क्या बोलते हैं, वाशिंग आउट है। और जो बी होरिजन होता है आपका, बिल्कुल, है ना, जो बी होरिजन है ये वाला, ये जो वाशिंग इन होता है ना, एलुवेशन वाला, क्लियर है। तो ये वाला जो है ना वाशिंग इन होगा ये वाला, और ये वाला होता है वाशिंग आउट होता है, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, सेशन को एक बार शेयर करते रहे, हिंदी में यही कहते हैं ना, निकलना और आना, ठीक है ना। चलिए, आपको बताना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है ना तुल्यांक की अम्लीयता, आपको देखिए यहाँ पर तुल्यांक की अम्लीयता, अलग अलग उर्वरक की तुल्यांक की अम्लीयता दी है ना, तुल्यांक की अम्लीयता, ठीक है, तुल्यांक की अम्लीयता, ठीक है, तुल्यांक की अम्लीयता जो है, और यहाँ पर दिया है लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर उर्वरक दिए हैं, फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस फर्टिलाइजर की कितनी, है ना, फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर, ठीक है, किस फर्टिलाइजर की कितना इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है बताइए, इसमें से क्या आंसर आएगा, किस फर्टिलाइजर की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है। देखो, तुल्यांक की अम्लीयता होती क्या, पहले ये समझ लो, बहुत ही सरल है, तुल्यांक की अम्लीयता क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, पहले इसको समझ लो, है ना, इस टर्म का मतलब क्या होता है ना, पहले देखो ये जो लिखे हैं ना, ये तो आपको रटे होंगे, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये तो आपको रटे होंगे ना, लेकिन इनका मतलब क्या है कि जो इक्विवेलेंट एसिडिटी है, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट एसिडिटी, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है, तुल्यांक की अम्लीयता क्या होती है, अगर ध्यान से सुनना, अगर हम फील्ड में क्या डालें, ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसे आप पढ़ते हैं यूरिया, यूरिया की 84 होती है ना, ये होती है, अगर हम फील्ड में 100 kg यूरिया डालते हैं, 100 kg यूरिया, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, फील्ड में अम्लीयता क्रिएट होगी, हाँ, है ना। तो किसी भी एसिडिक फर्टिलाइजर के डालने से जो भी अम्लीयता उत्पन्न होती है, किसी भी एसिडिक फर्टिलाइजर, हमने 100 kg यूरिया फील्ड में डाला, तो इससे जो एसिडिसिटी है ना सोइल के अंदर, जो एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी, अम्लीयता सोइल के अंदर जो एसिडिक कंडीशन क्रिएट होगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हमको कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ऐसे, है ना, एसिडिक कंडीशन को, ठीक है, इस एसिडिक कंडीशन को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कितने अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता, तो 84 kg, ठीक है, ये एक्चुअली ये 84 kg क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 84 का मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है, बहुत ही सिंपल, एक बोतल पी ली, ठीक है, एक बोतल से जो नशा चढ़ा उसको उतारने के लिए कितनी नींबूओं की आवश्यकता पड़ेगी, बात समझ में आ गई, एक पैक पीने से भाई जो नशा आता है उसको उतारने के लिए कितने नींबूओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही ऐसा है कि 100 kg एसिडिक फर्टिलाइजर के यूज करने से तो जो एसिडिटी डेवलप होती है उसको मिटाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आंसर है बेस लाइम क्षार की।
तो कैल्शियम कार्बोनेट, कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो उसको कहते हैं तुल्यांकी, उस फर्टिलाइजर का उसे क्या कहते हैं, उस फर्टिलाइजर का उसे क्या कहते हैं हम, तो इक्विलेंट एसिडिटी। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा मतलब एनहाइड्रस अमोनिया है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। मतलब अगर आप 100 kg एनहाइड्रस अमोनिया फील्ड में डालोगे ना, उससे जो अम्लीयता उत्पन्न होगी एसिडिटी, उसको मिटाने के लिए 148 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगी। तो उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगी, 148 kg कैल्शियम कार्बोनेट आपको डालना पड़ेगी। तो एक्चुअली ये होता है, क्लियर है? अब आ गया समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो भाई सबसे ज़्यादा इसकी होती है, ठीक है, एनहाइड्रस डी का आंसर 1 है। फिर अमोनियम क्लोराइड होता है, सी का आंसर 2 है, ठीक है। इसके बाद है ना बी का आंसर अपना क्या, बी। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखो ए का आंसर हो गया हमारा 4th, ये है ना करेक्ट आंसर, ए का आंसर 4 है ये वाला, ठीक है ना। बी का आंसर 3 है, सी का आंसर 2 है और डी का आंसर 1 है। ये है सबसे ज़्यादा होती है एनहाइड्रस, सबसे ज़्यादा किसकी होती है एनहाइड्रस अमोनिया 148। फिर होते हैं दूसरे, देखो अमोनियम क्लोराइड की 128 होती है, अमोनियम सल्फेट की 110 होती है, यूरिया की 84 होती है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताएं कमेंट सेक्शन में, किसी को कुछ डाउट है? चलिए क्या समझ आ रहा है भाई सभी को, तो एक बार लिंक को है ना शेयर और कर दें। चलिए अगला है ना क्रॉप लॉगिंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बार बार, अभी एम पी टेट में भी आया था, ये हर एग्जाम में आप पूछा जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन है ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है। एक बार भाई सेशन को सभी लोग शेयर कर दें, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्रॉप लॉगिंग अभी एम पी टेट में आया था, ये हर बार आता है एग्जाम में, पिछली बार भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्रॉप लॉगिंग क्या है, बहुत सिंपल होता है, देखो प्लांट के अंदर न्यूट्रेंट का एनालिसिस, प्लांट लीव के अंदर पोषक तत्वों का पता लगाना, ठीक है ना, प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। हमको पत्तियों में पता करना है कि इसमें नाइट्रोजन कितनी, उस आधार पे हम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। प्लांट के अंदर हम न्यूट्रेंट का एनालिसिस करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है कितनी, तो हम मिट्टी में कितनी डालें, तो प्लांट एनालिसिस होता है, लीव्स के अंदर हम एनालिसिस करते हैं। तो क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट सबसे पहले शुगर कैन में एच एफ क्लेमेंट के द्वारा 1935 में यूज़ किया गया था, ठीक है ना। प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर ए क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब पादप की पत्तियों में, पादप के, ठीक है, प्लांट्स के अंदर हम फसल उत्पादन के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एनालिसिस करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं भाई, एच एफ क्लेमेंट के द्वारा, एच एफ क्लेमेंट, ठीक है ना, एच एफ क्लेमेंट ने दिया था 1935 के अंदर, ठीक है। शुगर कैन किस क्रॉप में यूज़ किया था उन्होंने, शुगर कैन, किसमें, शुगर कैन के अंदर, किसमें, शुगर कैन के अंदर इसको यूज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला बताएं क्या आंसर होगा। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा, अभी मैं आपको बता दिया इसका आंसर थोड़ी देर पहले, जब स्टार्टिंग में कराया था ना आपको क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैं आपको बता दिया था, क्या आंसर आएगा बताएं। क्या आंसर आएगा इसका, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ लिए थे ना भाई, एग्जांपल ग्रेनाइट द एसिडिक इग्नियस रॉक्स होती है, ग्रेनाइट क्या है, एसिड इग्नियस है ना, अम्ली आग्नेय चट्टान होती है, एसिडिक इग्नियस रॉक्स होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं ना। और बेसिक का एग्जांपल क्या होती है, बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होती है बेसिक का एग्जाम्पल होती है। चलिए ये हम पढ़ चुके थे पहले। क्वेश्चन नंबर अगला है, बताओ कल भी सोयल साइंस की क्लास रहेगी, किस पोषक तत्व की कमी के कारण टर्मिनल कली में, जो टर्मिनल बड है कली का, कहो कली में उपस्थित पत्तियां झुकी हुई या दिखने में झुर्रीदार हो जाती हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि द यंग लीव्स इन टर्मिनल बड्स बिकम्स हुक्ड और रिंकल्ड इन अपीयरेंस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट, बताएं किस न्यूट्रेंट की कमी से, आप बताइए किस न्यूट्रेंट की कमी से जो होता है ऐसा होता है कि भाई शिरस्त कलिकाएँ जो हैं झुकी हुई आपको नजर आएंगी, बताएं।
इसका देखो सही आंसर जो है ना कैल्शियम है। देखो ऑप्शन में दोनों दिए थे, इसका करेक्ट आंसर क्या, देखो कैल्शियम और बोरोन दोनों के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम आपको लगाना है, इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम लगाना है ना कि बोरोन। ठीक है, क्या आंसर लगाओगे आप? कैल्शियम। क्लियर है? अरे भाई इसका करेक्ट आंसर आपको कैल्शियम लगाना है, बोरोन भी दिया हुआ है लेकिन इसका सही जो जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको फिर कैल्शियम ही लगाना है, अगर दोनों आ जाए फिर कैल्शियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको फिर आंसर क्या लगाना है, फिर कैल्शियम दोनों करते हैं लेकिन कैल्शियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला, बोरोन यहाँ इम्पोर्टेंट होता। देखो द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन लीव्स कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ, बताओ यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, पत्तियों बना कार्बोहाइड्रेट किसकी कमी से एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, किसकी कमी से कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता है, बताएं। किसकी कमी से कार्बोहाइड्रेट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होता है, बताएं। किसकी कमी से जो कार्बोहाइड्रेट होता है भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर, तो शुगर ट्रांसलोकेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है बोरोन का। भाई शर्करा के स्थानांतरण का हो या कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का हो या शर्करा का हो, या सुनो कार्बोहाइड्रेट कहें या शर्करा कहें, तो कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के स्थानांतरण में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन होता है, बोरोन होता है ना। बोरोन किस में जरूरी है, शर्करा के और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। अब देखो जो शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट, इसका जो स्थानांतरण होता है प्लांट में ट्रांसलोकेशन, इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन इसका जो स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। देखो शर्करा का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है, ध्यान से सुनते चलना, शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, और किसके थ्रू होता है, फ्लोयम से, है ना। पादप के किस भाग से होता है शर्करा का स्थानांतरण, तो किस भाग से होता है, फ्लोयम से, पादप के किस भाग से, है ना, तो आंसर है फ्लोयम से होगा। क्लियर, किससे होगा, फ्लोयम से। किस भाग से होता है भैया, शुगर का ट्रांसलोकेशन जो है फूड का कंडक्शन जो होता है, शर्करा का वो फूड का भोजन का स्थानांतरण जो होता है किससे होता है, तो पादप के फ्लोयम वाले भाग से होता है, हाँ ना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट देखो इससे संबंधित एक चीज़ हो रहा है, ये होता है सोर्स से सिंक के बीच में, किससे होता है, सोर्स से सिंक के बीच में होता है ना, सोर्स से किसके बीच में होता है, सिंक के बीच में, ये जो है ना ट्रांसलोकेशन आपको नजर आएगा, ठीक है, ये सोर्स से सिंक के बीच में होता है। ठीक है, ये जो आपको ट्रांसलोकेशन नज़र आता है ना, शर्करा का स्थानांतरण, ये सोर्स से सिंक के बीच में होता है, सोर्स पत्तियाँ जहाँ खाना बनता है, और स्टोर सिंक वो होता है जहाँ स्टोर होता है। ठीक है, वो फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल मतलब रूट्स हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, जो खाने वाला भाग है, तो सोर्स से सिंक के बीच में क्या होता है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज के रूप में क्यों होता है, देखो सुक्रोज क्योंकि सुक्रोज एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, एक प्रकार की अनअपचयित शुगर है ना, नॉन रिड्यूसिंग शर्करा होती है, सुक्रोज एक प्रकार की कैसी शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग अनअपचयित शर्करा होती है ना, अनअपचयित शर्करा होती है, ठीक है ना, अनअपचयित शर्करा जिसे हम कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, तो सुक्रोज के फॉर्म में ज़्यादा होता ही है, सभी प्लांट्स में सेम होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार की नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, बीच में इसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिस फॉर्म में चलती है इसी फॉर्म में चलती रहती है। क्लियर है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है मोस्ट। देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा क्या, कि जो शर्करा का स्थानांतरण होगा, शर्करा का जो स्थानांतरण फ्लोएम के थ्रू है, ठीक है, इसके लिए एक है ना हाइपोथेसिस है, मास है ना, मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, भोजन के स्थानांतरण के लिए मास फ्लो हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है, भोजन के स्थानांतरण के लिए ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है किसके द्वारा दी गई है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है किसके द्वारा दी गई है, मास फ्लो हाइपोथेसिस है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई शर्करा के स्थानांतरण के लिए मास फ्लो हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है, तो शर्करा के स्थानांतरण के लिए मास फ्लो हाइपोथेसिस जो दी गई है मुंच के द्वारा, याद रखना, ठीक है ना, मुंच, ठीक है, याद रखना मुंच के द्वारा 1930 में दी गई है, तो इम्पोर्टेंट है शर्करा के स्थानांतरण के लिए जो है, शर्करा के स्थानांतरण के लिए, ठीक है, कौन सी हाइपोथेसिस, मास है ना या प्रेशर फ्लो, मास फ्लो का या है ना, या फिर प्रेशर फ्लो भी कह सकते हैं उसको, प्रेशर, ठीक है ना, मास फ्लो या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो है किसके द्वारा, मिंच के द्वारा दी गई है। अभिनंदन बिरला, H2SO4 की क्वांटिटी ml पर kg, तो 1H2 10 का रेशो होता है भाई, 1H2 10 का होता है, अगर एक आप ले रहे हैं उधर 1 ग्राम तो उधर 1H2 10 का रेशो चलता है कि नहीं,
1 ml जो लेंगे तो उधर है ना 10 ग्राम सीड लेंगे हम। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, स्टेम नोडुलेटिंग प्लांट यूज फॉर द ग्रीन मैन्योरिंग। बताओ इनमें से कौन सा स्टेम नोडुलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, बताएं इनमें से कौन सा स्टेम नोडुलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, बताइए। एमएल में भाई वो संख्या देगा, ऐसे थोड़ी पूछेगा एमएल में, एमएल में कभी पूछेगा ही नहीं, ये तो आपके दिमाग की हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। तो वो प्रोधक के जी में देगा, सीधी सी बात है, अनुपात हम निकाल सकते हैं। हाँ ये वीडियो YouTube पर रिकॉर्डेड रहेगा, इसको हटाएंगे थोड़ी, YouTube पे आप सभी के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल देगी। क्या आंसर होगा बताएं, क्या आंसर होगा, सेसवानिया रोस्टाटा या सेसवानिया एक्यूलेटा, क्या आंसर होगा बताएं, क्या आंसर होगा, अरे भाई क्या आंसर होगा बताएं कमेंट सेक्शन में। स्टेम नोडुलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी है, स्टेम नोडुलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स, ठीक है ना, जिसके तने में क्या पाई जाती गांठ है, वो है सेसवानिया रोस्टाटा, ठीक है ना, सेसवानिया है ना, सेसवानिया रोस्टाटा होता है, क्या होता है, सेसवानिया रोस्टाटा, ठीक है, क्या है, सेसवानिया रोस्टाटा, क्लियर, क्या है, सेसवानिया रोस्ट, एक और होता है ना, ठीक है, एससी मोन, याद रखना ये छत्तीसगढ़ एग्जाम में आ चुका है, अफरा इस पर है ना, ऐसा नाम है एससी मोनी अफरा इस पर करके नाम है इसका प्लांट का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सी जी पी एस सी एडीए में आया था ये वाला क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ एडीए के अंदर, तो ये भी है इसके साथ में, याद रखना एससी मोनी करके एक प्लांट है जिसमें भी क्या होता है स्टेम नोडुलेटिंग है, तो ये है ना, कभी अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो ये आएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है सी जी पी एस सी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, अफरा इस पर करके, ठीक है, एससी मोनी, ये भी स्टेम नोडुलेटिंग है, ये भी क्या है स्टेम नोडुलेटिंग, और ये भी स्टेम नोडुलेटिंग, अगर ये ऑप्शन भी नहीं आया तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्टिव फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा एक्टिव फैक्टर कौन सा है, सोइल फॉर्मेशन के लिए बताओ भाई, मृदा निर्माण के लिए जो है सक्रिय कारक कौन सा होता है, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक कौन सा है बताएं, मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक कौन सा है, तो मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक कौन सा होता है बताएं कमेंट सेक्शन में। क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, क्लाइमेट एंड टाइम, पेरेंट मटेरियल रिलीफ, रिलीफ एंड टाइम, क्या होगा बताएं, क्या आंसर होगा, बिल्कुल क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं ना, क्लाइमेट या फिर बायोस्फीयर की जगह क्या सकता है ऑर्गेनिज्म लेकर आ सकता है ना, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल, ये तो है एक्टिव फैक्टर, ठीक है, पेरेंट मटेरियल और रिलीफ जो होता है ये दोनों क्या है पैसिव फैक्टर होते हैं ना, ये दोनों कैसे हैं पैसिव फैक्टर है, ये दोनों क्या होते हैं पैसिव फैक्टर होते हैं, और ठीक है टाइम जो होता है, टाइम जो होता है वो क्या होता है न्यूट्रल फैक्टर, टाइम जो होता है क्या है, तो आंसर है न्यूट्रल फैक्टर, टाइम क्या है भाई, तो टाइम इज द न्यूट्रल फैक्टर होता है ना, टाइम क्या होता है न्यूट्रल फैक्टर होता है, टाइम क्या है तो आंसर है न्यूट्रल फैक्टर है, ठीक है, टाइम क्या है न्यूट्रल फैक्टर है। चलिए और इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से सुनना, टाइम क्या है न्यूट्रल फैक्टर होता है, ये तो ये क्वेश्चन होती है सोइल फॉर्मेशन बराबर एफ सी एल है ना ओ आर पी टी, ये होती है ना इक्वेशन सोइल फॉर्मेशन की है ना, अगली क्लास में अपन वाटर कंजर्वेशन जो है ना सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, अभी कुछ दिन है क्या मिलेगी आपको सोइल साइंस की एमसीक्यू मिलेगी, जब आपको 2-3 दिन तक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा ना, अगली क्लास में आपको मिलेंगे सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह के सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो अगली क्लास में अपन उसको इंक्लूड करेंगे ना, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के जो टॉपिक है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जिप्सम इज यूज टू रिक्लेम, बताओ जिप्सम का उपयोग किस मृदा के सुधार किया जाता है, जिप्सम का जो है यूज हम किस प्रकार की मिट्टी के सुधार में करते हैं बताएं, जिप्सम का प्रयोग हम किस प्रकार की मिट्टी के सुधार में करते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। जिप्सम का प्रयोग हम किस में करते हैं बताएं,
जिप्सम इज यूज टू रेगुलेट, बताओ जिप्सम का उपयोग मृदा भाई किस प्रकार की मिट्टी के सुधार में किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने में किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग हम किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने में करते हैं, क्या आंसर आएगा, अम्लीय मतलब लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। तो देखो एक बात याद रखना, इस मिट्टी में कोई केमिकल डालती नहीं, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करते, है ना, केमिकल का प्रयोग है ना नहीं करते इसमें, ठीक है, इसमें कोई केमिकल डालती नहीं है, तो कभी भी आप सेलाइन आंसर लगाना ही नहीं, केमिकल उसमें डालती नहीं, उसमें जनरली क्या करते हैं, पानी से उसको साफ किया जाता है, ठीक है, साल्ट को हटाने के लिए हम इरीगेशन करते हैं, फ्लड इरीगेशन, बस, ठीक है ना। तो एल्कलाइन सोल को सुधारने के लिए, इसको सुधारने के लिए, किसको, एल्कलाइन क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए हम करते हैं ना, सेलाइन को नहीं, इसको एल्कलाइन सोल को। मैं एक बात बताऊं तो आपको, कोई केमिकल देना सेलाइन सोल आंसर लगाना ही मत तुम, क्योंकि आप कभी किताब में पढ़ोगे नहीं सेलाइन सोल, जनरली आप एल्कलाइन सोल ही पढ़ोगे, तो इसलिए ज़्यादातर आंसर क्या लगाना, आप सीधे सीधे एल्कलाइन सोल को सुधारने के लिए हम आयरन पायराइट है जिप्सम इनका प्रयोग करते हैं ना, आयरन पायराइट है जिप्सम का प्रयोग जनरली हम किस में करते हैं, एल्कलाइन सोल के क्षारीय मिट्टी को सुधारने में करते हैं, ठीक है, इसको। और क्या करते हैं, आयरन पायराइट आपने सुना होगा ना, आयरन पायराइट है, हाँ ना, आयरन पायराइट है, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जिप्सम का प्रयोग, क्योंकि जिप्सम क्या करते हैं भाई, ये जिप्सम है, ठीक है ना, ये CaSO4.2H2O4, ठीक है, 2H2O, ये जो जिप्सम है, क्लियर, ये जिप्सम हो गया, अब ये पानी के साथ रिएक्शन करके मिट्टी में H2SO4 बना लेता है कि नहीं, H2SO4 बना लेगा तो मिट्टी का जो pH है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी का pH कम हो जाएगा। अब इनके बारे में तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ सारी सोल के बारे में, ठीक है ना, सेलाइन सोल, देखो सेलाइन सोल क्या होती है, सेलाइन सोल क्या होती है, सेलाइन सोल, तो सेलाइन सोल जिसका EC हमेशा कितना होता है, 4 से ज़्यादा होता है, जिसका pH कितना होता है, लेस देन 8.5 होता है ना, जिसका pH बिल्कुल लेस देन 8.5 होता है, और जिसका ESP भी कितना होता है, लेस देन 15 है, और भाई जिससे हम एल्कलाइन सोल जो होती है ना, क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सोल जो होता है, इसका EC हमेशा क्या होगा, 4 से कम होगा, इसका जो pH होता है वो हमेशा 8.5 से ज़्यादा होता है ना, और इसका ESP क्या होता है, 15 से ज़्यादा। एक सेलाइन एल्कलाइन सोल होती है जिसका 3 ज़्यादा होता है, एक सेलाइन एल्कलाइन सोल होती है जिसका 3 ज़्यादा होती है, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, द नंबर ऑफ सोल ऑर्डर इज वाइडली यूज्ड इन सोल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द सोल टैक्सोनॉमी, कितने ऑर्डर हैं टोटल, टोटल भाई कितने ऑर्डर होते हैं, सेशन को लाइक करते रहे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को लाइक करें भाई, सभी स्टूडेंट आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप थोड़ा वो सपोर्ट करें, कल भी है ना सोइल साइंस की क्लास रहेगी कल, और ये वाले क्वेश्चन नहीं अगले क्वेश्चन आएंगे और उसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो द नंबर ऑफ सोइल ऑर्डर इज वाइडली यूज टू द सोइल, है ना, तो टोटल भाई 12 ऑर्डर हैं कि नहीं, टोटल क्या है 12 ऑर्डर, कितने हैं टोटल ऑर्डर की संख्या कितनी होती है 12 है, चलिए टोटल ऑर्डर की संख्या क्या है 12 होती है, ये तो सभी आपको मालूम होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएं आप, अगला प्रश्न आपके, द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लिटिल लीप ऑफ कॉटन, बताओ लिटिल लीप ऑफ कॉटन जो होते हैं किसके कारण, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कौन सा, लिटिल लीप ऑफ कॉटन, लिटिल लीप ऑफ कॉटन जो है भाई किसकी कमी के कारण होता है, बताएं कमेंट सेक्शन में सभी, लिटिल लीप ऑफ कॉटन किसके कारण होता है बताएं, तो लिटिल लीप किससे होता है ना, जिंक की कमी से, लिटिल लीप किससे होता है, जिंक की कमी से, इससे क्या होता है, इसकी अधिकता, इसकी टॉक्सिसिटी से, है ना, इसकी टॉक्सिसिटी से, है ना, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, क्रिंकल लीफ, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या है, क्रिंकल लीफ, याद रखना, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या है, क्रिंकल लीफ है, इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, क्रिंकल लीफ होता है, क्लियर, इसकी टॉक्सिसिटी से आपको क्या होगा, तो कॉटन के अंदर ही क्रिंकल लीफ होता है ना, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, किसके, MN की टॉक्सिसिटी से आपको क्या मिलेगा, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन आपको देखने को मिलेगा, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन किससे होता है, तो आंसर है क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन होता है किसकी टॉक्सिसिटी से, MN की टॉक्सिसिटी से। चलिए भाई तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है, तो जो स्टूडेंट RU की तैयारी कर रहे हैं भाई वो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लें, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं की है तो आपको शानदार टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम से डायरेक्ट पूछे जाते हैं,
अभी तक तो टेस्ट सीरीज यही सिद्ध हुई कि टेस्ट सीरीज से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो आप टेस्ट सीरीज 75 से ज़्यादा टेस्ट हैं, लगभग 100 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें फुल लेंथ एग्रीकल्चर प्लस सीसेट भी है, प्लस साथ साथ में टॉपिक वाइज भी है। तो ये आपको 1 ईयर की वैलिडिटी है ना, ये जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 500-299 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप अभ्यास एग्री अकेडमी का क्या करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। अगर किसी को बुक्स चाहिए, ठीक है, तो ये बुक्स भी खरीद सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इन दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल बैच चल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ ADA का एग्ज़ाम आया हुआ है, साथ साथ में REO SDO की वैकेंसी आना ही है, ADA का तो आया, तो जो बच्चे ADA की तैयारी कर रहे हैं वो ये वाला बैच परचेस कर सकते हैं आसानी से। कल भी हमारी सॉइल साइंस की क्लास रहेगी ना, कल हमारे कुछ वाटर कंजर्वेशन के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सॉइल साइंस की क्वेश्चन है जिसमें वाटर कंजर्वेशन अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और जो मध्य प्रदेश के बच्चे अगर कोई रह भी गया है गलती से, भाई अभी खरीद लो, 1000 रुपये मिल रहा है। अगर कोई बच्चा रह भी गया है, हाँ बर्गे की टेस्ट सीरीज भी है, बिल्कुल मिलेगी आपको। अगर कोई रह भी गया तो आपको 1000 रुपये भैया पूरा रिकॉर्डेड बैच ले लो, जिससे आप तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप ये पढ़ लोगे, आप एग्रीकल्चर में 80+ पार नंबर ले आओगे 100%, इस बात की गारंटी है। 80+ नंबर कहीं नहीं गए, चलिए है ना। तो मिलते हैं फिर अपन, ये भी एक बेस्ट कोर्स है MCQ वाला, अगर आप चाहते हो, ऐसे हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ऐसा ही MCQ कोर्स भी है रिकॉर्डेड वीडियो वाला, तो अगर आप चाहते हैं रिवीजन के लिए, इसमें 40 वीडियो है ना, एक वीडियो में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन रिकॉर्डेड है, जैसे अपन यूट्यूब पे पढ़ते हैं यही वाला। हाँ MP टेस्ट सीरीज बिल्कुल, MP टेट आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें भाई, मिल जाएगी, होम फैक्ट्री MP टेट भी मिल जाएगी। ओके चलिए मिलते हैं फिर अपन, और डेली ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें डेली के लिए, 51 रुपये वाली और 25 रुपये वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 51 रुपये में 30 क्वेश्चन डेली पाएं। चलिए, तो आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में, आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को आगे चल के देखेंगे, भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, जिससे सभी जो बच्चे भाई तैयारी कर रहे हैं अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें उनको क्वेश्चन वाइज मिलती चलेंगी, तो सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी जो देखेंगे उसको शेयर करते रहें लिंक को। तो कल भी हमारा सोइल साइंस का रहेगा, एक बार कमेंट सेक्शन बताइए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, पढ़ने मज़ा आया आपको, अरे पढ़ने मज़ा आया कि नहीं बता, जो क्वेश्चन किए हमने डिस्कस किए आपको मज़ा आया, चलिए ओके मिलते हैं फिर हम कल शाम को 9:15 बजे इसी टाइम पर क्लास होगी अपनी, ओके है ना, गुड नाइट, मिलते हैं फिर हम।